The mean of all four-digit even natural numbers of the form AABB, where A is greater than zero, is what? It's a very simple question, guys. Directly, अगर मैं इसे बताऊं तो आप क्या कर सकते हो? Because AABB की form में four-digit even natural numbers हैं. Actually, ये सारे numbers जो होंगे ना, वो AP में होंगे क्योंकि सारे gap equal होंगे. पहला number होगा 1100 और last number होगा 9988. तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज या मीन होता है. तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट अगर करोगे तो ये होगा 88011 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 करोगे इट विल बी 5544. सो दैट शुड बी द मीन. अब डायरेक्टली फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करके उनका एवरेज निकाल सकते हो. अगर आपको ये नहीं समझ आया तो देखिए, ये चार डिजिट इवन नंबर कह रहा है एएबीबी की फॉर्म में. देखिए कैसे होंगे ये नंबर, 1100, 1122, 1144, 1166, 1188. इधर आएगा फिर 2200, 2222, 2244, 2266, 2288. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पहले वाले का 11 वाले का एवरेज 1144 होगा, सेकंड वाले का एवरेज 2244 होगा, ऐसी 33 वाली लाइन होगी इसका एवरेज 344 होगा, 3344. अगली लाइन 4 वाली होगी उसका एवरेज 4444 होगा, अगले वाले का 5544 होगा, अगले वाले का 6644 होगा, अगले वाले का 7744 एवरेज होगा इस पूरे कॉलम का, अगले का 8844 होगा, अगले का 9944 होगा. उसके बाद हमको इन सब का एवरेज देखना था तो वो सेंट्रल नंबर होगा 5544. सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली आल्सो. इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. ट्राई इट अगेन. एन अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग तीन मेटल्स को इन द प्रोपोर्शन 3:4:7 बाय वॉल्यूम हम मिक्स कर रहे हैं एबीसी को 3:4:7. Weight of the same volume of metal ABC, they are in the ratio 5:2:6. Okay, 5:2:6 जो है वो weight है of same volume, और ये ऊपर था volume का ratio. They are by three metals in the proportion of this by volume. ये पहला volume है, मतलब अगर weight देखें तो ये एक-एक volume का weight है. तो आप ABC का वेट देखिए, मतलब अगर एक वॉल्यूम का वेट 5 है तो 3 वॉल्यूम का वेट 3 × 5 यानी 15 होगा. अगर B का एक वॉल्यूम का वेट 2 है तो 4 वॉल्यूम है ना हमारे मिक्सचर में, तो इसका वेट होगा 4 × 2 यानी 8. सिमिलरली C का वेट होगा 7 × 6 यानी 42. तो कह रहा है 132 kg ऑफ एलॉय में वेट ऑफ C कितना होगा. तो अगर मैं देखूं तो C की बात कर रहे हैं तो C होगा 42 डिवाइडेड बाय मेरा टोटल कितना है 42 प्लस 8 इज 50 प्लस 15 इज 65. सो 42 आउट ऑफ 65 जो होगा ना वो एलॉय C होगा. तो अगर 130 में से निकालना हो तो इंटू 130 हो जाएगा. तो 65 से ये 2 होता है 82 तो ये तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. एंड दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान है. रेशो प्रोपोर्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस हमें मिस नहीं करने चाहिए कभी भी कैट में. अब एक बार देखिए, बस वॉल्यूम का रेशो है, उनके वेट का रेशो गिवन है ऑफ सेम वॉल्यूम एंड 130 केजी में बताना है कि अलॉय में सी का वेट कितना हो. अगर आपको फिर भी डाउटफुल लग रहा है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. एंड कभी कभी ये क्वेश्चंस काफी छुपे हुए होते हैं, जैसे 24th क्वेश्चन है. इस पेपर में टोटल 26 क्वेश्चंस थे, तो लास्ट में या बीच में कहीं कहीं होते हैं. सो वी शुड मेक श्योर कि हम इजी क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और डिफिकल्ट को फर्स्ट गो में स्किप करें. अगर हमारे पास टाइम बचता है देन वी कैन ट्राई द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो.